की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे जवाहर सर्किल। स्वास्थ्य और फिट रहने के प्रति आमजन में संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाहर सर्किल पहुंचे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाहर सर्किल पहुंची। स्वास्थ्य और फिट रहने के प्रति आमजन को संदेश उनके द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे अक्सर निकलते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हमेशा नजर आते हैं। और न केवल खुद वो जागरूक है बल्कि आमजन में भी एक संदेश वो देते हुए आए हैं। तो ऐसे में आज भी जवाहर सर्किल पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। स्वास्थ्य और फिट रहने के प्रति आमजन को संदेश देना चाहते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप हमेशा सजग रहें, इसको लेकर एक संदेश, आप हमेशा फिट रहें, एक्टिविटीज करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज में हमेशा इन्वॉल्व रहें, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक संदेश। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिट मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और आपने हर एक तस्वीर भी देखी होगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अक्सर अपनी सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक पर निकलकर करते हैं, जॉगिंग करके करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाता है यहाँ पर। और आज भी देखिए जवाहर सर्किल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप सभी अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहें, आप सभी फिट रहें, इसको लेकर वो संदेश दे रहे हैं कि हमारी जो प्राथमिकता है हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। वो कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और कहीं ना कहीं इसका संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद देते हुए नजर आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिट मूवमेंट है उसको भी बढ़ावा यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी भी इस फिट मूवमेंट में नजर आती है। तो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं जवाहर सर्किल। स्वास्थ्य एवं फिट रहने के प्रति आमजन में देना चाहते हैं संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, देखिए जवाहर सर्किल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और हमने अक्सर देखा है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपनी हेल्थ को लेकर कितने सजग, और ऐसा कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। क्या है जानकारी ऐश्वर्या आपके पास? देखिए मुख्यमंत्री रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं और उनका नियमित का रूटीन है मॉर्निंग वॉक करना, और उसी मॉर्निंग वॉक के चलते वो आज अपने ओटीए में मॉर्निंग वॉक ना करके उन्होंने मॉर्निंग वॉक के लिए जवाहर सर्किल को चुना। जवाहर सर्किल उनके लिए नया नहीं है। जवाहर सर्किल में इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे और पास के बालाजी अपार्टमेंट में रहते थे, तो वो जवाहर सर्किल रेगुलर रूप से वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, और उन्हें वहां सारे लोग जानते भी हैं कि ये भजनलाल शर्मा है, अच्छे से जानते हैं। तो अपने पुराने लोगों से मेल मुलाकात की दृष्टि से, अपने लोगों से चर्चा की दृष्टि से, और अपने लोगों से बातचीत की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ फिट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट जो है उस कार्यक्रम को और ज्यादा गति देने के लिए, या कहें तो लोगों को एक संदेश देने के लिए कि मॉर्निंग वॉक भी जरूरी है, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, कि तो इस टूर को जाता है तो इस मॉर्निंग वॉक को जोड़ा जा सकता है। तो अभी मुख्यमंत्री अचानक ही निकले हैं, और जैसे ही निकले फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास सूचना पहुंची है, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग जो है उनकी जो फोटो है वो भी ले रहे हैं, कुछ लोग वीडियो भी ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारे पास भी एक्सक्लूसिव होंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा यहाँ पर एक संदेश भी दिया जा रहा है, और संदेश हर वर्ग के लोगों को, क्योंकि स्वास्थ्य हर वर्ग का अच्छा रहे, हर वर्ग अपने अपने स्वास्थ्य पर फोकस करे, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य इसके माध्यम से एक संदेश भी आम लोगों के बीच में पहुंच रहा है। जी, एक संदेश तो जाएगा ही, और संदेश के साथ देखो एक और बात है जो मेरे पास है, कल रात को वो करीब 1 या 1:15 बजे के करीब हुए थे, आज 5:30 बजे हो गए, 5:30 बजे 6:30 बजे तैयार हो गए, और तैयार होकर जवाहर सर्किल की तरफ थोड़ी देर पहले पहुंचे। तो उनका जो रूटीन है वो कुछ इस तरीके से रहता है, वो बताना जरूरी है कि
वो इससे पहले भी कहते रहे हैं, कई मीटिंग्स में भी कहते रहे हैं कि मैं कम सोता हूँ, ज्यादा काम करता हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम को देता हूँ, ये भी एक उनका संदेश है। हालांकि वो मॉर्निंग वॉक ट्रेडमिल पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर रूप से ट्रेडमिल पर एक दो दिन उन्होंने किया भी, लेकिन वो रेगुलर मॉर्निंग वॉक जो है वो ओटीएस में करते हैं। एक दिन जब भरतपुर गए, दो दिन पहले तो भरतपुर जब जैसे ही पहुंचे तो उस दिन उन्होंने भरतपुर में भी मॉर्निंग वॉक की और उसके अलावा ये जयपुर में भी सिटी पार्क जो बना हुआ है, सिटी पार्क में भी मॉर्निंग वॉक की थी। तो ये उनका एक रूटीन है, जो रूटीन पर्पज से जाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, लोगों से भी मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, ये उनका रूटीन है। जी ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि